आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने ऐसा कमेंट किया जिसे सुनने के बाद नसरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पर भड़क उठे। बीते दिनों नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी जिसे लेकर भारत सहित दूसरे मुल्कों में इस पर विरोध हो रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर कई सेलिब्रिटीज ने निंदा करी। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार यानी कि तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ने इस पर किसी भी प्रकार की कोई निंदा नहीं करी, जिस पर नसरुद्दीन शाह ने निशाना साधते हुए कहा, मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता जिस पोजीशन पर वो हैं। मैं वहाँ नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वह शायद ज्यादा खतरा उठा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता वो अपने जमीर को कैसा समझते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी स्थिति में है जहाँ पर वे अपना सब कुछ खो सकते हैं। उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले को लेकर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले को लेकर शाहरुख खान के साथ जो हुआ और उन्होंने उसे जिस तरीके से हैंडल किया वो काबिले तारीफ था। ये उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। सोनू सूद के घर पर भी छापा मारा गया। जो भी आवाज उठाता है उसे परिणाम भुगतना पड़ता है और शायद उनका अगला शिकार अब मैं हूँ, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि नसरुद्दीन शाह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने हाल ही में आई फिल्म कश्मीर फाइल्स को भी काल्पनिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेस पर भी सवाल उठाए जो राष्ट्रवादी कहे जाने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। वैसे नसरुद्दीन शाह की इन बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दिए बेल आइकन को भी दबा दें।